आज का सेशन हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM के बारे में है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से एरियाज टेस्ट होते हैं और कौन कौन से एरियाज हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा सवाल बनने के चांसेस होते हैं। सेकेंड थिंग हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न एंड अलॉन्ग विथ हम रिलेट करेंगे कौन सा टॉपिक किस सेक्शन के अंदर ज़्यादातर एग्जामिनेबल होता है, और उसके बाद हम एक पास पेपर को इवैल्यूएट करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ACC के पोर्टल पे जो पास पेपर्स अवेलेबल हैं, सो दैट उसको इवैल्यूएट करेंगे। विल टॉक अबाउट दैट इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम और इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम आपको क्या क्या रिसोर्सेस यूज करने, एंड देन अल्टीमेटली एग्जाम टिप्स आज का एजेंडा ऑफ दिस सेशन। प्री रिक्विजिट्स क्या हैं पेपर पास करने के लिए, क्या क्या अफेक्टिवली स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। सो नंबर वन, मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले बात करते हैं FM के सिलेबस की तरफ। दिस पेपर कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग एरियाज। नंबर वन, सबसे पहले जिस एरिया की तरफ हम जा रहे हैं विच इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एज द नेम सजेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इस पेपर में हम फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिविडेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस वैल्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क एंड रिटर्न के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम जो एरियाज कवर करेंगे उसमें हमें इक्विटी फाइनेंसिंग की डिस्कशन करनी है। इक्विटी फाइनेंसिंग यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स, शेयर प्राइस से रिलेटेड डिस्कशन करनी है। ऑर्डिनरी शेयर्स किस तरह से इशू किए जाते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी किस तरह से फाइनेंस रेज करती है, प्राइवेट कंपनीज किस तरह से फाइनेंस रेज करती हैं, छोटी कंपनीज किस तरह से फाइनेंस रेज करती हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं, एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपको एक कंपनी को एडवाइस देनी है और आप उसे एडवाइस देंगे कि इसके लिए सूटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। सो इक्विटी फाइनेंसिंग हमारे पास एक ऑप्शन होता है नॉर्मली, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है लोन विच इज कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग। ये दो मेन चीजें हैं जिसके ऊपर एक लाइकली डिस्कशन आती है एग्जाम में कि आप कंपनी को एडवाइस करें कि उसके लिए इक्विटी फाइनेंसिंग ज़्यादा सूटेबल है या डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा सूटेबल है। इसके साथ दिस चैप्टर कवर्स डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करना चाहती है तो सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए, क्या कंपनी को कम डिविडेंड देना चाहिए, ज़्यादा डिविडेंड देने से क्या इम्पैक्ट आएगा, डिविडेंड ना देने से क्या होगा लाइकवाइज, और अलॉन्ग विथ अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमारे रेशोज भी डिस्कस होती हैं, जो रेशोज हम प्रीवियसली F2 में, F3 में, F7 में पढ़ चुके होते हैं वो तमाम रेशोज यहाँ पर दोबारा एग्जामिन की जाती हैं। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग इस्लामिक फाइनेंसिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर एक कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इस्तेमाल करती है या प्रेफरेंस शेयर्स इस्तेमाल करती है या लोन लेती है तो ऑब्वियसली जो फाइनेंस प्रोवाइडर होगा वो फाइनेंस इसलिए दे रहा होगा कंपनी को क्योंकि उसे अपने फाइनेंसिंग के ऊपर रिटर्न चाहिए। तो कंपनी जो भी फाइनेंसिंग हासिल करेगी उसकी एक कॉस्ट होगी। सो इस टॉपिक में हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंसिंग की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। नेमली हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी अगर हम रेस करते हैं यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स अगर हम रेस करते हैं फाइनेंसिंग के लिए उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स लिए जाते हैं उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। एंड सिमिलरली
डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, और फिर कलेक्टिवली हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अभी पिछली अटेम्प्ट में इसके ऊपर एक सवाल एग्जाम में बना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम एज अ डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. सो कंपनी के लिए डिस्काउंट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा कंपनी का डिस्काउंट रेट होता है उतना कंपनी के लिए प्रॉब्लम होती है. और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ये अल्टीमेटली आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ कनेक्टेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्डिनरी शेयर से फाइनेंसिंग करने जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप लोन से फाइनेंसिंग लेने जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, और इसके अगेंस्ट एक टॉपिक रेशियोज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियसली, विच इज गियरिंग रेशियो, दैट टेल अस कि कंपनी के पास डेट और इक्विटी का रेशो कितना है. अब अगर एक कंपनी के पास ऑलरेडी डेट ज़्यादा है तो क्या किया जाए, और अगर एक कंपनी के पास डेट कम है इक्विटी ज़्यादा है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट कवर या इंटरेस्ट कवरेज रेशो. ये भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि कंपनी के पास अपना इंटरेस्ट देने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट क्या है. अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, और अगर ये कम होगा तो इसकी कंपनी के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलोंग विथ एक सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि आइडियल गियरिंग रेशियो क्या होता है, कंपनी को कितना डेट लेना चाहिए और कितनी इक्विटी लेनी चाहिए. इसके ऊपर कई थ्योरीज अवेलेबल हैं, उन थ्योरीज की मदद से हम डिस्कस करेंगे कि डेट कितना ज़्यादा फीजिबल होता है और इक्विटी कितनी ज़्यादा फीजिबल होती है. तीसरा टॉपिक हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसके ऊपर एक 20 मार्क्स का काइंड ऑफ कंपलसरी क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बेसिक्स स्टूडेंट्स को F2 में पढ़ाई जाती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR वगैरह. और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट करते हैं कि अगर एक कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिसीजन लेने जा रही है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट फीजिबल कैसे होती है, कंपनी को कैसे पता लगेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो एक फीजिबल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल है या वर्थ वाइल नहीं है. उसके लिए हमें सिलेबस में मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दिए हुए, उन्हें हम इवैल्यूएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और डिसीजन लेंगे कि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है. अगर वो वर्थ वाइल है तो उसका मतलब क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू. हर अटेम्प्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू इस टॉपिक के ऊपर 20 नंबर का सवाल आता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन. हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों का कंपैरिजन, कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, अलोंग विथ पे बैक पीरियड क्या होता है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, IRR, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं. F9 के पेपर में थ्योरी बहुत ज़्यादा एग्जामिन होती है, इसलिए हर टॉपिक के साथ थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, और एटलीस्ट कम अज कम 50% थ्योरी पेपर में आती है. एटलीस्ट मीन्स कम अज कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ज़्यादा भी आ सकती है. तो यहाँ पर हम मेथड ऑफ अप्रेजल करने के बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ये इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं. फोर्थ हमारा टॉपिक होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल अफेक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा तो उसको मैनेज करने के लिए क्या टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं. वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना,
कि शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने डेफिसिट्स को और अपने सरप्लस को कैसे मैनेज करती है। वर्किंग कैपिटल मैनेज करने का मतलब ये होता है कि हमें अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है। इसमें हमें एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास नॉलेज में होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें अपने रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करना है, कैश को कैसे मैनेज करना है और पेबल्स को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिलेबस के अंदर बिजनेस वैल्यूएशन। मर्जर एंड एक्विजिशंस के अंदर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो एक्वायर करने के लिए उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो यह हम सीखेंगे कि कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे होती है। वो शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, कंपनी की डेट्स यानी कि वो डेट सिक्योरिटीज जो मार्केट में ट्रेड होती हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे होती है। वैल्यूएशन के मेथड्स पे बात करेंगे, डिफरेंट तरीके वैल्यूएशन के, और शेयर प्राइस फ्लक्चुएट क्यों होती है, शेयर प्राइसेस के अंदर चेंजेस क्यों आती है। समटाइम्स प्राइस ऊपर जाती है, समटाइम्स प्राइस नीचे जाती है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द चेंज इन शेयर प्राइस। कंपैरेटिवली बिजनेस वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है होगा रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो तरह के रिस्क के बारे में, नेमली करेंसी रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, व्हाट इज करेंसी रिस्क, हाउ वी कैन मैनेज करेंसी रिस्क, एंड अनदर थिंग इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने की टेक्निक्स क्या क्या होती है। यहाँ हम बात करेंगे कि जी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट क्यों होता है, डॉलर वर्सेस पाउंड, डॉलर वर्सेस पाक रुपी रेट क्यों वैरी करता है, एक्सचेंज रेट को फोरकास्ट कैसे किया जाता है। बैंक अगर आपको रेट कोट करता है बाय और सेल करने का, तो उसमें बाइंग रेट कौन सा होता है, सेलिंग रेट कौन सा होता है, फोरकास्ट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का आपस में क्या कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, और रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी के पास कुछ हेजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उन हेजिंग स्ट्रेटजीज को आपको पढ़ाया जाएगा एग्जाम में। ये मेन हमारे टॉपिक सिलेबस के अंदर, पहला टॉपिक हमारे पास है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा अप्रेजल, चौथा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पांचवा वैल्यूएशन और छठा रिस्क मैनेजमेंट। ये जो दो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं है, इसको हम कह सकते हैं इंट्रो लेवल के टॉपिक हैं, इंट्रोडक्टरी लेवल के टॉपिक हैं, और इसकी डिटेल जो होगी इसके एडवांस पेपर में यानी कि AFM के अंदर पूछी जाती है, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हैं चार वो काफ़ी डिटेल के अंदर पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विथ कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन होती है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक थ्योरीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन है, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन है। ये एरिया नॉर्मली MCQs में टेस्ट किया जाता है, कुछ सवाल दो तीन MCQs के अंदर से पूछे जाते हैं। सो मेनली हमारा सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ दीज सिक्स आइटम्स, और यहाँ पर सिलेबस में फोकस क्या है, व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम द सिलेबस। यू हैव टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड रिटर्न, डिविडेंड पॉलिसी, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, बिजनेस को कैसे वैल्यू किया जाता है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ डिसीजंस। एज फार एज पेपर पैटर्न इज कंसर्न, तो स्किल्स लेवल के ऊपर F5 से लेकर F9 तक यानी कि PM से लेकर FM तक पेपर पैटर्न इज यूजुअली सेम, बिट डिफरेंस वेरी फ्रॉम पेपर टू पेपर। सो देर आर थ्री सेक्शंस इन आर FM पेपर, सेक्शन ए,
सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे पास 15 OTQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, काइंड ऑफ MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप्स, मल्टीप्लाई बाय टू ईच, दो नंबर का एक MCQ, OTQ। सो टोटल वेटेज फ्रॉम दिस सेक्शन इज 30 मार्क्स। कंप्राइजेज ऑफ न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरिटिकल ऑप्शंस। डिस्कर्सिव डिस्कशन भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और थ्योरी भी पूछी जा सकती है। ये जो सेक्शन है ये इंटायर सिलेबस से आता है, उस सिलेबस के हर एरिया से आपसे 15 में से सवाल पूछे जा सकते हैं कि जी आप को अगर एरिया आता है तो एमसीक्यू आप इजीली कर सकते हैं, और अगर टॉपिक आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बट दिस इज अ मैनेजेबल थिंग। अगर पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है अच्छी तरह से तो सेक्शन ए के क्वेश्चन कंपेरेटिवली आसान होते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 3 OT cases आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 मार्क ईच। तो टोटल वेटेज इस सेक्शन की बनती है सिमिलर टू सेक्शन ए विच इज 30 मार्क्स। ईच ओटी केस वर्थ 10 मार्क्स। तो एक ओटी केस के अंदर 5 OTQs होते हैं वर्थ 2 मार्क ईच। सो 1 OT कंप्राइजेज ऑफ 10 मार्क्स। इस तरह 3 आपके पास OT case आएंगे, हर OT के 10 मार्क्स होंगे और उसके अंदर 5 OTQs होंगे। सो टोटल OTQs सेक्शन बी में भी जो पूछे जाएंगे वो 15 OTQs होंगे वर्थ 30 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर OTQs जो होंगे वो केस के साथ कनेक्टेड होंगे, एक सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिनेरियो से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और थ्योरेटिकल एरियाज भी पूछे जाएंगे। सेक्शन सी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, CRQs। यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 20 मार्क्स। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स यूजुअली आते हैं पेपर में काफी हद तक प्रिडिक्टेबल हैं। पहला जो टॉपिक होगा हमारे पास 20 मार्क्स का, उसमें हमसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूछा जाएगा। मोस्ट लाइकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हर अटेम्प्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूछा जाता है, और दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो 2 पेपर टेस्ट हुए हैं दोनों पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 वॉज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्राइजेज ऑफ 20 मार्क्स। क्वेश्चन 2 जो है वो वेरी करता है, समटाइम्स क्वेश्चन 2 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से आ जाता है, किसी पेपर में वर्किंग कैपिटल का 20 नंबर का सवाल होता है और किसी पेपर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को मिक्स करके 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है। इसका मतलब है अगर 2 पेपर टेस्ट होते हैं तो एक पेपर में स्टूडेंट के पास अप्रेजल एंड वर्किंग कैपिटल आएगा, दूसरे पेपर में होपफुली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का सवाल होगा। CRQs में हमारे पास थ्योरी के लिए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हमें इस्तेमाल करना है और कैलकुलेशन के लिए हमें मोस्टली एक्सेल इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेसिक एक्सेल का आइडिया होना चाहिए और थ्योरी के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड रीजनेबल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए हमें, रीजनेबल अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है तो आप FM की जो थ्योरी रिक्वायर्ड होती है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन बी जो हमारे पास है इसके अंदर 1 10 नंबर का सवाल रिस्क मैनेजमेंट से आता है, एक सवाल वैल्यूएशन से आता है। एक एक सवाल हमारे पास है, एक रिस्क मैनेजमेंट से है, एक वैल्यूएशन से है। तीसरा सवाल जो हमारे पास आता है वो अल्टीमेटली पूछा जाता है, वो डिपेंड करता है कि सेक्शन सी में हमारे पास क्या था। सेक्शन सी में हमारे पास
क्या चीज पूछी गई? अगर सेक्शन बी में आपके पास वर्किंग कैपिटल पूछा गया तो बी में फिर तीसरा सवाल हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का बनेगा, और अगर सेक्शन सी के अंदर वर्किंग कैपिटल नहीं पूछा गया तो फिर थ्री के अंदर वर्किंग कैपिटल पूछा जा सकता है। सो इट्स वेरी, तीसरा सवाल वेरी करता है, वो कुछ भी हो सकता है आइदर और, लेकिन पहला सवाल बिजनेस वैल्यूएशन का, दूसरा सवाल रिस्क मैनेजमेंट का, और तीसरा सवाल डिपेंडिंग ऑन सेक्शन सी। सो ये क्वेश्चन का ब्रेकअप है, सेक्शन बी में हमारे पास तीन टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, सेक्शन सी में हमारे पास दो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो ये छह टॉपिक्स सेक्शन बी और सी के अंदर इस तरह से पूछे जाएंगे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 20 नंबर के लिए हमेशा से एग्जामिनेबल होता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो वो स्टूडेंट जो इजीली इस पेपर को पास करना चाहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर ग्रिप आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वहां से ज्यादा मार्क्स वो कैप्चर करके इजीली पेपर में अच्छा वेटेज उठा सकते हैं। अब अगर थ्योरी और न्यूमेरिकल का एक कंपैरिजन किया जाए तो सेक्शन सी में हमारे पास जो 20 नंबर का सवाल बनेगा उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से होता है, नॉर्मली 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है और 10 मार्क्स का थ्योरी का सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन सी में जो कि टोटल 40 मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें 20 मार्क्स थ्योरी के आएंगे, 20 मार्क्स कैलकुलेशन के होंगे। इसी तरीके से सेक्शन बी में जो 5 OT पूछे जाएंगे उसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल होंगे और 2 या 3 जो है वो थ्योरी के टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 6 से 8 थ्योरी के क्वेश्चन वहां पर भी मौजूद होंगे, और सेक्शन ए में भी थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। तो F9 में अगर हम प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करें तो 50 to 60% पेपर में, यानी कि दिसंबर 2022 में इतनी थ्योरी एग्जामिनेबल होगी। तो F9 पेपर पास करने की ये है कि आपकी थ्योरी के ऊपर अच्छी ग्रिप होना जरूरी है, कैलकुलेशन के ऊपर भी ग्रिप होना जरूरी है और थ्योरी के ऊपर भी ग्रिप होना जरूरी है। हर टॉपिक के अंदर थ्योरी मौजूद होती है लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, हर टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बात करें तो इस्लामिक फाइनेंसिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। इसी तरह से फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये सिर्फ प्योर थियोरेटिकल टॉपिक है। लाइकवाइज बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, अगर ये एग्जामिन होता है तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सारा का सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो इस तरह कुछ टॉपिक्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और थ्योरी इज अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए जो आपको अल्टीमेटली रिसोर्स इस्तेमाल करना है, रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, वो क्या क्या होने चाहिए, तो याद रहे इंटायर सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक अदद स्टडी टेक्स्ट पढ़ना चाहिए ताकि सिलेबस थॉरली कवर किया जा सके। रेकमेंडेड स्टडी टेक्स्ट है आपके पास कैपलान का, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता लेकिन पूरा सिलेबस आपका कवर करता है, अलॉन्ग विथ आपको अपने ट्यूटर के नोट्स, ये जो लेक्चर के दौरान नोट्स इस्तेमाल कर रहा है ट्यूटर, लेक्चर्स के दौरान वो जो थ्योरी बोल रहा है वो नोट करनी है। तीसरी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो आपको करनी है ऑल सेक्शंस, और क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो ACCA के CBE पोर्टल के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन ए में आपको MCQs, सेक्शन बी में OTQs, OTQs, OTKs,
एंड सी आर क्यूज। जितना ज्यादा आप ACCA का CB पोर्टल इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए, उतनी आपकी ग्रिप आएगी, एग्जामिनेशन सिस्टम से फेमिलियर होंगे, पेपर में जो ईज होगी, पेपर में जो ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना यूजुअली स्टूडेंट स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेट्स। थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ACCA की वेबसाइट के ऊपर जो टेक्निकल आर्टिकल्स दिए हुए हैं F9 से रिलेटेड, दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव। आई स्ट्रॉन्गली रेकमेंड कि आप हर टॉपिक से रिलेटेड जो ट्यूटर आपको एडवाइस करेगा वो टेक्निकल आर्टिकल आपको लाजमी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली जाएं अलॉन्ग विथ, जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए हम रिवीजन किट भी इस्तेमाल करेंगे। वन रिवीजन किट इज इनफ, सो कैपलन की रिवीजन किट इस्तेमाल की जाएगी, इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स। देर आर सो मेनी पास्ट पेपर्स इन द रिवीजन किट, वो पास पेपर्स जो अवेलेबल नहीं है रिवीजन किट में, वो रिवीजन किट से अलावा आप ACCA के प्रीवियस पास पेपर को एक्सेस करके वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज। अब हम चलते हैं एक फील लेने के लिए कि FM का ACCA के पोर्टल पर जो रिसोर्स अवेलेबल है वो क्या है, और जो पेपर अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है। सो नाउ वी कैन सी हियर, हमारे पास एक कंप्लीट पेपर हमारे पास मौजूद है, और उस पेपर के अंदर देखें, पेपर स्टार्ट हो रहा है FM प्रैक्टिस एग्जाम 1 सेक्शन ए से स्टार्ट हो रहा है। द सेक्शन कंटेन्स 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज वर्थ 2 मार्क्स एंड इज कंपल्सरी, दिस एग्जाम सेक्शन इज वर्थ 30 मार्क्स इन टोटल। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एक फील लेने के लिए कि हाउ क्वेश्चन लुक लाइक्स। तो हमारे पास अब जैसे ये सब सवाल पूछा गया, ये सवाल है व्हाट इज द मिनिमम प्राइस पर शेयर दैट द ओनर शुड एक्सेप्ट फॉर द कंपनी टू द नियरेस्ट होल। तो ये एक न्यूमेरिकल सवाल है जो कि बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक से टेस्ट किया गया है। अब थोड़ी सी फंक्शनैलिटी को अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला शीट दी हुई है। F9 के पेपर में आपको एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की जाती है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं, सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल नहीं होते, कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको यहाँ पर इस शीट में इस टैब के अंदर मिल जाएंगे। सो यू कैन सी हियर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है और कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो कि यहाँ पे दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसके साथ प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स दी हुई हैं, दो टेबल्स प्रोवाइड की जाएंगी, एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल प्रोवाइड की जाएगी और एक एन्यूटी टेबल प्रोवाइड की जाएगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए, और हमें बहुत सारी जगहों पर इन टेबल्स को इस्तेमाल करना है रादर देन के हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको एक नेविगेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है जिससे आप अपने पूरे पेपर में जब चाहें जिस क्वेश्चन पे चाहें मूव कर सकते हैं। हे यू कैन सी सेक्शन ए समरी, सेक्शन ए के 15 सवाल, फिर अलॉन्ग विथ अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको सेक्शन बी के 15 सवाल मिलेंगे, 3 OTQs, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से ही आपका CRQ शुरू हो रहा है। तो इसको यहाँ से नेविगेट करके इजीली जाया जा सकता है, किसी भी वक्त नेक्स्ट पे मूव करके अगले सवाल पर, प्रीवियस पे मूव करके पिछले सवाल पे जा सकते हैं। जो MCQ हमें ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट है, टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम उसको जाकर यहाँ पर फ्लैग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब नेविगेटर में आप अपना पेपर स्टेटस चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने फ्लैग लगा हुआ है कि जी आपने ये सवाल छोड़ दिया था और इसको आपने बाद में कर लिया। इस तरह किसी भी सवाल को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को फ्लैग किया जा सकता है। लाइक वाइज दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एंड लाइक वाइज सेक्शन ए में अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो इस तरह F9 में ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि MCQs के अंदर मिक्स ऑफ होंगे। अगर हम सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो सेक्शन बी में हमारे पास एक OT केस होगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन किस तरह एग्जामिन होंगे। लेट्स मूव टू OTQs। अब ये एक कॉमन केस है हमारे पास और इस केस से रिलेटेड हमारे पास फर्दर 5 क्वेश्चंस दिए हुए। तो अब इस स्क्रीन को हम वी कैन चेंज द साइज ऑफ दैट स्क्रीन अगर विजिबिलिटी बढ़ानी है तो, और इस तरह से अब इस सिनेरियो को पढ़कर
हम एक एक सवाल के जवाब देंगे, और यहाँ पर हमारे पास अगर आपको कोई वर्किंग करनी है, कोई नोटिंग करनी है, तो स्क्रैच पैड में आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रैच पैड को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ऑलवेज यूज़ यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, और डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के बाद हम केस हमारा कॉमन है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें थ्योरी का एक सवाल है, कोई भी ऑप्शन यहाँ से हमें चूज करना है, फिर हमारे पास फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम सेक्शन सी पे जाना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो जम्प ऑन सेक्शन सी एज वेल, और वहाँ जाके ये देख सकते हैं कि सेक्शन सी में हमें किस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, हमारा लेआउट क्या होगा, एक्सेल वगैरह हमें किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। सो लेट्स फोकस ऑन सेक्शन सी क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी हियर कि अब हमारे पास ये एक अदद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, दिस सिनेरियो रिलेट्स टू थ्री रिक्वायरमेंट। अब इसके साथ 20 मार्क्स के अंदर तीन रिक्वायरमेंट्स कवर की गई हैं। पहली रिक्वायरमेंट हमें दी हुई है 4 मार्क्स के लिए, और क्योंकि ये कैलकुलेशन है तो इसलिए आपको यहाँ पर एक्सेल दिया हुआ है, एक्सेल की फंक्शनैलिटी है विद लिमिटेड फंक्शन। यहाँ पर हम ये सवाल एक्सेल के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर थ्योरी लिखनी होगी तो ज़्यादातर वो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इसके साथ हमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पहले CRQ का 6 मार्क्स का है। यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है इवैल्यूएट करने का, इसका मतलब है ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद पहला सवाल था 4 मार्क्स का, दूसरा 6 का, 10 मार्क्स की कैलकुलेशन असेस हुई। अब फर्दर 10 मार्क्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी फ्लैट थ्योरी आ गई। एज आई टोल्ड यू थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो क्रिटिकली डिस्कस हाउ द कंपनी कुड इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये रिसीवेबल्स के टॉपिक को टेस्ट किया गया, यानी कि वर्किंग कैपिटल को, 10 मार्क्स की फ्लैट थ्योरी। अब यहाँ पर आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट गिवन है जिसके ऊपर आपको थ्योरी टाइप करनी है, और जो भी उसके मेथड्स अवेलेबल हैं वो मेथड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं और प्रॉपर अपना आंसर स्ट्रक्चर करना है। तो जो भी आपको नीड होगी उसके हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म के अंदर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ये पहला CRQ हमारा एंड हुआ, उसके बाद हम दूसरे CRQ पे बढ़ते हैं। तो दूसरे CRQ पे जाएंगे तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करने को मिलेगा। इसी तरीके से यू कैन चेंज द स्क्रीन साइज ऑफ द स्क्रीन, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन है 12 मार्क्स की, तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर, कैलकुलेशन करते वक्त फॉर्मेट हमारा प्रॉपर होना चाहिए। एक्सेल को हम इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज आपको एक्सेल के पता होने चाहिए, फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ हम अपने फॉर्मेट्स यहाँ पर क्लियर करके जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो सिस्टम है वो रन होता है, एंड दिस वर्क्स लाइक दिस। अब जब आप अपना माई ACC लॉगिन करेंगे तो इस तरह आपके पास पेपर आते हैं। यहाँ पर FM के अंदर आप ऑफिशियल सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में डिफरेंट प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अवेलेबल है। दिस इज़ AFM, सो आई नीड टू मूव टू FM। सो FM में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप देखें आपके पास मार्च जून का पेपर कंप्लीट अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, फिर मार्च जून 22 का पेपर अवेलेबल है, फिर सितंबर का पेपर अवेलेबल है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास डिफरेंट पेपर अवेलेबल हैं पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में। फिर प्रैक्टिस एग्जाम आपके पास 3 हैं। अभी दिसंबर का एग्जाम हुआ है तो प्री मॉक हमने स्टूडेंट का यहाँ से डिस्कस किया था, उसका डीब्रीफ किया था, स्पेसिमेन एग्जाम आपको दिया हुआ है, और ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है कि आप ये ब्लैंक स्पेस से अगर आपको कोई किट का सवाल प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से ब्लैंक शीट जो है वो इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल आपके पास मौजूद है तो फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है। दिस इज हाउ दिस वर्क्स।
और ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं ACC की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं दे आर वर्दी टू बी यूज्ड। हमारा जो मार्च का कोर्स कवर होगा मार्च 23 एग्जाम के लिए, वी आर कंडक्टिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल फ्रेश लेक्चर्स। इट्स नॉट लाइक दैट कि पुराने लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव ऑनलाइन क्लासेस। हमारा सिलेबस जो होगा वो 20th फेब कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग ऑल प्रैक्टिस थ्योरी हर तरह के सेशंस। अलॉन्ग विथ ही विल ऑल्सो प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दी सेशंस। ना सिर्फ इतना, प्रीवियस कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स वो भी साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स, टेक्निकल आर्टिकल्स, पास्ट पेपर्स, हर चीज आपको वन प्लेस के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट आपके पास सारा स्टफ जो भी अवेलेबल होना चाहिए वो वन प्लेस पर अवेलेबल अवेलेबल होगा। आप हमारे पोर्टल के जरिए इसको एक्सेस करेंगे, एग्जाम तक आपके पास एक्सेस रहेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड टाइम लेक्चर वॉच कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ द सैम्पल के टॉपिक वाइज जो आपको वेबसाइट पर एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, हाउ इट लुक लाइक्स, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी। इसके साथ साथ हर टॉपिक के साथ आपको क्विजेस अवेलेबल होंगे, तो आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ OTQs आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। उन क्विजेस के आंसर्स अवेलेबल होंगे, सजेस्टेड सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारी लैकिंग क्या थी। 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगी, ट्यूटर से आप डिस्कस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं कि जी मुझे फ़लां सवाल समझ में नहीं आया, यू कैन हेल्प मी आउट, इसका मतलब क्या था। नाउ सी, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहता है वो ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल है। सो यू कैन सी हियर, ये जब आप पोर्टल लॉग इन करते हैं तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर यू कैन सी ये इंट्रोडक्शन ऑफ AFM, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहला टॉपिक। इसके अंदर अब आप मूव करेंगे तो इसके अंदर ये सारे लेक्चर्स आपको दिए हुए, ये लेक्चर्स के साथ साथ टेक्निकल आर्टिकल्स, क्विज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, असाइनमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट क्विज अटेम्प्ट करना चाहता है टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, तो वह यहाँ जाएगा, क्विज अटेम्प्ट करेगा, उसने क्वेश्चन लिया, इसका आंसर टिक किया, और ये आंसर इनकरेक्ट आंसर आपके पास आया, तो अब नाउ यू वांट टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग, तो आपके पास ये पूरी डिस्क्रिप्शन सवाल में अवेलेबल होगी, तो आप ये समझ के इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो सवाल डिफिकल्ट होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगी, जो बिल्कुल इजी सवाल होंगे उसकी कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसको आप अपने टॉपिक के साथ, तो साइड बाय साइड हम यहाँ पर OTQs की और MCQs की प्रैक्टिस भी हमारे साथ साथ चल रही होगी। दिस इज द थ्योरी क्वेश्चन। अब यहाँ पर जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर आंसर की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ये असाइनमेंट आप ट्यूटर को सबमिट कर सकते हैं यहाँ जाकर। दिस इज द थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल होती है, तो वी वॉन्ट कि आप थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ये देखें पास्ट पेपर का दिसंबर 2008 का एक थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ टेस्ट किया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इसको आप यहाँ पर असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करके ट्यूटर को भेज सकते हैं, और ट्यूटर चेक करके आपको वो असाइनमेंट देगा। इस तरह टॉपिक वाइज यहाँ पर हर टॉपिक अवेलेबल है। एंड एट द एंड यू कैन सी हियर कि आपको यहाँ पर पास्ट पेपर की थ्योरी के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, और एट द एंड आपके पास मॉक अवेलेबल है, क्योंकि तो ACC की वेबसाइट पर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास मॉक अवेलेबल होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। हम नेक्स्ट सेशन से अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड हमारा जो पहला टॉपिक यूजुअली होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल।